हकूमती दावे के बावजूद गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी अफतारी से तरावी के वेलिया में भी बिजली गायब। रोजेदारा नु शदीद जहनी अजियत का सामना। माह रमजान में एक पास मामलों महंगाई ने तंग कर रखे तो दूजे पास वापडा ने लोड शेडिंग रमजान पैकेज जारी कर दिता है जिन्हें आवाम के मुश्किल में होर इजाफा कर दिता है। मजीद तफसीलात देखने सराय आलमगीर तो रिपोर्ट पेज। रमजान के मुकदस महीने में जिथे एक पास शदीद गर्मी दहाड़िया महंगाई ने लोगों को परेशान कर रखा है, इतने हकूमत वालों बिजली की लोड शेडिंग का नया रमजान पैकेज भी जारी कर दिया गया है जिहड़ा कि शहरों में अठ तदियात में 14 घंटे तक है। सराय आलमगीर भी यह नया रमजान पैकेज जारी हो चुका है जिदे लोगों की जिंदगी के नाल नाल रोजे भी मुतासर हो रहे हैं। अपना न्यूज़ नाल गलबात करदिया होया लोगों ने मुकदस रमजान के महीने में बजाय लोड शेडिंग की कमी के इस विच इजाफे को हकूमत का एक शर्मनाक कदम करार दिता है। बिजली न होने नाल ना वजू कर सकते हैं, ना पानी लभदा, ना नहा सकता है, ना धो सकता है। बंदा करना की है, सारा दिन बंद बिजली है। सहरी तू सहरी की थी, उसके बाद बंद है। रोजा आज तक रखने पे तक हो रहा रखना है। हार गया तो बंदे मार के रोजा के रखना। असी जितना कहेंगे जेडे अमीर कबीर जिन्होंने कहने या मिडियाकर असी फंड भी देने तैयार हाँ, असी खून भी देने तैयार। सारा खून बेच के इन्हें गरीबा मस्कीना बिजली है ना। दो दिन पहले टीवी देखा तो टीवी से खबर चल रही थी भी चन दे चढ़िया नहीं रोजियां दा तो कीमत चढ़ गई। बिजली वासी तो असं कई साल हो गए रगड़ा खाते आ रहे हैं तो हम अल्लाह का शुक्र है भी साढ़े माशाला जो मिनिस्टर हैं गुजरात के जिन्हें सपुरद किया गया काम उन्होंने आख्या तर रगड़ा 10 घंटे का और एक मिनट का इजाफा नहीं करना चाहिए बल्कि ये चाहिए कि जो भी असबाब बरूए कार लाए जा सकते हैं उन्होंने लिया के मुल्क के अंदरों 100% लोड शेडिंग को खत्म कर दिया जाए। माहे रमजान के मुकद्दस बबरकत महीने बिजली की लोड शेडिंग 8 से 14 घंटे का इजाफा करना हुकूमत पाकिस्तान वास्ते एक शर्म की गल है। कैमरामैन अमजद शाह के नाल अर्शद सिन्हा, अपना न्यूज़ सराय आलमगीर।